नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यमय तथ्यों और अद्भुत जानकारियों की दुनिया में आपको ले चलते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान ने आखिरी बार चांद पर कदम कब रखा था? 1972 में। और अब लगभग 50 साल बाद हम फिर से चांद पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम हमें न केवल चांद पर ले जाएगा बल्कि अंतरिक्ष में नई संभावनाओं के दरवाजे भी खोलेगा। तो आइए इस रोमांचक सफर को करीब से समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है, नासा का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसका मकसद न सिर्फ इंसानों को चांद पर वापस ले जाना है बल्कि चांद पर स्थायी रूप से बसने की तैयारी भी करना है। लेकिन यह प्रोग्राम अपोलो मिशन से कैसे अलग है और नासा इसे इतना बड़ा कदम क्यों मान रहा है, चलिए जानते हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य तीन है। पहला, चांद पर वापसी, हम इंसानों को फिर से चांद पर भेजेंगे। दूसरा, स्थायी उपस्थिति, चांद पर ऐसा बेस बनाएंगे जो लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल हो सके। तीसरा, मार्स का रास्ता तैयार करना, चांद को एक स्टॉपओवर की तरह इस्तेमाल करते हुए मंगल पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई गई है। नासा इसे मून टू मार्स योजना का पहला चरण मानता है, यानी चांद केवल शुरुआत है। आर्टेमिस प्रोग्राम को तीन मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला, आर्टेमिस आई 2022, पहला मिशन बिना इंसानों के किया गया। इसमें नासा ने अपने नए रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS और ओरियन स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग की। दूसरा, आर्टेमिस II 2024, ये मिशन मानव अंतरिक्ष यात्रियों के साथ होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तीसरा, आर्टेमिस III 2025, ये मिशन वो ऐतिहासिक पल होगा जब पहली महिला और पहले गैर श्वेत व्यक्ति चांद की सतह पर कदम रखेंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पल कितना ऐतिहासिक होगा? लेकिन यह सफर आसान नहीं है। चांद की सतह पर भारी रेडिएशन, जीरो ग्रेविटी में काम करना और वहां पानी जैसे संसाधन ढूंढना बड़ी चुनौतियां हैं। इसके अलावा इस पूरे मिशन का बजट अरबों डॉलर है। क्या नासा इन सारी मुश्किलों को पार कर पाएगा? इतिहास बताता है कि इंसानी जज्बा हर मुश्किल को हरा सकता है। आर्टेमिस प्रोग्राम का सपना सिर्फ चांद तक सीमित नहीं है। नासा और उसके अंतरराष्ट्रीय साझेदार जैसे ESA, जैक्सा और SpaceX मिलकर चांद पर एक लूनर गेटवे बना रहे हैं। यह एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा और चांद पर वैज्ञानिक रिसर्च का मुख्य केंद्र बनेगा। दोस्तों, आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, यह हमें सिखाता है कि इंसानी सपने कितने बड़े हो सकते हैं। यह प्रोग्राम आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा कि हम सिर्फ धरती के नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी हैं। आर्टेमिस प्रोग्राम हमारे लिए एक नया अध्याय है। यह साबित करता है कि हम इंसान असंभव को संभव करने की ताकत रखते हैं। तो चलिए इस सफर का हिस्सा बनते हैं, चांद और मंगल के उस रोमांचक भविष्य की ओर बढ़ते हैं। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां दुनिया तक पहुंचानी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।